ज्योतिष आचार्य जी, नए साल में जो शनि हैं वो अपने स्वराशि जो कुंभ राशि में है वो अभी विराजमान है और इसी राशि में अस्त होने वाले हैं। तो ये अस्त होने से किन राशियों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है और उनको सतर्क रहने की जरूरत है? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। शनिदेव जो कि न्याय के देवता हैं, वो अपने राशि पर विराजमान हैं, कुंभ राशि पर, और कुंभ राशि पर ही मार्गी, वक्री और अस्त तीनों रूप उनका होता है होगा। तो इस बार शनिदेव 2024 में 11 फरवरी से 18 मार्च तक अपनी राशि कुंभ पर ही अस्त रहेंगे। उनका समय जो है वह अस्त का है। अस्त जब अपनी राशि पर हो जाएंगे तो इससे तीन राशि वालों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि जिस राशि पर शनिदेव अस्त होंगे उससे उन राशि वालों का, जैसे कि कुंभ पर है तो कुंभ राशि और मीन राशि, कन्या राशि, ये तीन राशि वालों के ऊपर विशेष रूप से नकारात्मक दृष्टि शनिदेव का रहेगा। शनिदेव की कृपा तीनों राशि पर नहीं होगी। तीनों राशि वालों के लिए रोजी रोजगार में कमी हो जाएगी, उस पर असर पड़ेगा। व्यापार में हानि होगी। वाहन इत्यादि दुर्घटना का योग भी बन सकता है और विशेष रूप से मन अशांत रहेगा, मानसिक तनाव बना रहेगा, क्योंकि शनि का नकारात्मक ऊर्जा पड़ेगा जिससे मन जो है हर समय अशांत रहेगा, बेचैनी महसूस होगी। लेकिन शांत रहने की आवश्यकता है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुनः जब शनि उदय होंगे तो पुनः जैसे चल रहा था समय वैसा ही चलेगा। इस बीच में हनुमान जी की आराधना अवश्य करें जिससे आप नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला निश्चित चढ़ाएं।